हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? मैं बना रही हूँ नाश्ता राहुल के लिए, और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, उनको जाना है ऑफिस नाश्ता करके, तो मैंने उनके लिए बनाया था पोहा, और साथ में इधर बन रही थी हम दोनों के लिए चाय। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे आफ्टरनून में। अभी बन रही हूँ, टीवी की आवाज़ कम करो। हाँ, लेके आ रही हूँ मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सुबह भी व्लॉग शूट किया था, अभी वो एडिट करना बाकी है, तो मैंने सोचा नेक्स्ट व्लॉग भी आज शूट कर लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे टाइम लग ही नहीं रहा था व्लॉग शूट करने का। तो फाइनली अभी मैंने स्कूल से आ चुका है, वो टीवी देख रहा अभी। अभिमन्यू क्या कर रहा? अभिमन्यू इज वॉचिंग कार्टून। और अब भूख लगी है। मैंने अभी मन्नू के लिए ना नमकीन सेवियाँ बनाई है, उसने बोला था कि मुझे नमकीन सेवियाँ खानी है। और आज थोड़ा सा मेकअप भी किया है मैंने, थोड़ी सी लाइट शेड की लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि मैं उसे घेट तक लेने गई थी, तो मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा मेकअप कर लूँ। काजल लगाया है, थोड़ा सा फेस पाउडर लगाया है, क्रीम लगाई है। तो मैंने अभी मन्नू के लिए लंच में बनाया है नमकीन सेवियाँ। उसकी विश थी कि मैगी से अच्छा रहता है। ये आटे वाली सेवियाँ हैं और घर की थोड़ी हुई सेवियाँ हैं, ये मैं घर से लेके आई थी। और यहाँ पे मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, मैंने बनाई थी लस्सी। हाँ, ला रही हूँ बेटा, वो चिल्ला रहा है कि ले आओ। तो लस्सी के साथ हम दोनों खाएंगे, मुझे इतनी भूख नहीं है। और चलिए मैं मम्मी को लंच करा देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और शाम के लिए मुझे आज कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि कल मैंने आज जो व्लॉग शूट किया था मॉर्निंग में, मैंने उसे बताया था कि मैंने कल कढ़ी बनाई थी और वो ज़्यादा बन गई थी पकोड़े डाल के, तो बहुत ही अच्छी बनी। और हम लोग जब कढ़ी बनाते हैं, साग बनाते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ी एक्स्ट्रा ही बना लेते हैं। और क्योंकि राहुल को कढ़ी बहुत पसंद है, तो आज रात को वो बोल रहे थे मैं कढ़ी के साथ ही रोटी खाऊँगा, तो सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनानी है। तो मैंने सोचा फिर आज मैं व्लॉगिंग शूट कर लेती हूँ, व्लॉग मतलब बना लेती हूँ, मेरे पास टाइम है। और तो चलिए अभी मन्नू के साथ मैं कर रही हूँ अभी लंच, और मिलती हूँ आपसे इवनिंग टाइम में। बहुत टेस्टी बने हैं, है ना? अभी थोड़े से ठंडे करके दूंगी। अभी मन्नू को ना फर्स्ट चम्मच गलती से मैंने तो ठंडे भी करे थे, अब ठंडे हैं। अब ठीक है, बेचारे को गरम गरम लग गई है ना। और अभी मन्नू की ना लस्सी फेवरेट है ना? अभी मन्नू फेवरेट है ना, आपको पसंद है ना? कैसे बने लस्सी? अच्छी है। अच्छी
तो गाइस हम कर लेते हैं अपना लंच और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आना भी मन्यू। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं दूध गर्म करने आई हूँ राहुल का अभिमन्यु का पीने के लिए, और डिनर वगैरह हमें कर लिया है। ये कल का दूध बचा हुआ था, इसे मैं जमाने वाले में डाल दूँगी। और इधर इसमें मैंने मलाई डाली, मैं इसमें दूध डाल दूँगी जमाने के लिए, और फिर कल इससे लस्सी और मक्खन दोनों बन जाएंगे। तो खाना तो आज हमें बनाना ही था, मीन्स सब्जी वगैरह तो कुछ बनाना ही थी। अच्छा रहा यार। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, ये सब्जी तो आज हमें बनानी ही नहीं थी, कड़ी रखी थी और रोटी के साथ तो और भी टेस्टी लग रही थी। तो मैंने और राहुल ने दो ही खा ली, और अभिमन्यु ने मक्खन के साथ लस्सी के साथ खाई रोटी, क्योंकि वो कड़ी नहीं खाता। और बर्तन भी मेरे सारे क्लीन हो चुके हैं, ये देखो पीछे, मतलब मेरा रात का सारा काम फिनिश हो गया। और अभी अभी जस्ट मैं अपने कपड़े चेंज भी करके आई हूँ, और आज मैंने ये वाला लोअर पहना है, ये मैं पानीपत से लेके आई थी जब मैं पानीपत गई थी। अब जो भी मैं पानीपत से चीज़ लेके आई थी ना, मैं आपको दिखा तो पाई नहीं थी, तो फिर मैं वन बाय वन आपको दिखा दूँगी। और मैं बेडशीट भी दिखा देती हूँ, सॉरी सिंगल जो दीवान की रहती है ना, एक मैं आज मैंने चेंज की थी, देखो एक मैं ये लेके आई थी, इसी के साथ छोटे वाले पिलो कवर्स भी हैं और बड़े वाले भी हैं, और एक दूसरे रूम की भी आज मैंने चेंज की थी, और मैं फोल्डिंग पे बिछा रखी है, बट उस पर ना कपड़े रखे हैं तय करने वाले, मुझे मैंने शाम को उतारे हैं। एक ये लेके आई थी, ये पूरा सेट था, ये मैं आपको मॉर्निंग में दिखा दूँगी। और ये इसका पिलो कवर, अभिमन्यु ने अपने होमवर्क वगैरह सब फिनिश कर लिया है, और अब वो दूध पीने की वेट में है, है ना अभिमन्यु? पापा बाहर फोन पे बात कर रहे हैं, बेटा ऑफिस से फोन आया हुआ है। और ये शाम को बच्चे खेल रहे थे तो सारे टॉयज बिखरे हुए हैं, अब तो बस सुबह ही लगाऊंगी मैं इनको। और मेरा दूध पीने का आज बिल्कुल भी मन नहीं है, तो बस अब इनको दूध देके और कपड़े वगैरह तैयार लगा के सारा काम रात को फिनिश करके फिर मैं करूँगी अपना नाइट केयर स्किन रूटीन। सबसे पहले मैं फेस वॉश करूँगी, और जो मैं अंडर आईज क्रीम यूज़ करती हूँ ना वो लगाऊँगी, और सीरम लगाऊँगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, मतलब पिछले आई थिंक 1.5 months हो गया जब मैंने सामान मंगाया था। और लिप बाम लगाती हूँ मैं, लिप बाम आजकल मैं लिपस्टिक कम लगाती हूँ, और अभी थोड़ी थोड़ी ना लिपस्टिक वैसे लगी हुई है। आज मैंने लाइट शेड लगाया था क्योंकि अभी मैंने फेस वॉश वगैरह नहीं किया है, ना कोई मेकअप रिमूव किया जो मैंने दिन में किया था। तो पहले दूध दे देती हूँ और उसके बाद करती हूँ अपने काम फिनिश। क्या पूछ रहे थे राहुल? राहुल Thank you.
अभी मनु ना दूध पीने में आजकल नखरे कर रहा है, आज उसको कमी दे के आऊंगी। अभिमन्यु दूध ले हुए, गरम हो गया ज्यादा, ठंडा करके आती हूँ। इसका दूध ना गरम हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं आज लेट उठी हूँ क्योंकि अभिमन्यु की आज फिर से छुट्टी है, 4 डेज की इसकी फिर से छुट्टियाँ पड़ गई है पोल्यूशन की वजह से। और DM के ऑर्डर्स आ गए हैं कि पोल्यूशन जो है वो हाई लेवल पे है, तो फिर से इसकी छुट्टी है। सैटरडे संडे इसका ऑफ होता है, बट आज है थर्सडे फ्राइडे कभी ऑफ है इसका। और यहाँ पे मैंने बना दी अपने लिए चाय 1 कप, क्योंकि राहुल ऑफिस जा चुके हैं। और आलू भी मैंने बॉईल कर लिए हैं नाश्ते के लिए, पराठे बनाने के लिए। और ये रखी हैं कुकीज़, ये मैं चाय के साथ लूँगी 1 या 2। और इधर मैंने दूध मतलब दही से लस्सी और मक्खन भी बना लिया है। तो मैं आज इसलिए लेट उठी हूँ क्योंकि अभी मम्मी को स्कूल तो जाना ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि आराम से उठाऊंगी उसको भी और खुद भी आराम से, क्योंकि लेट सोते हैं रात को तो फिर आँख नहीं खुलती है। और चलिए फिर मैं कर लेती हूँ अपना, अभी भी नींद आ रही है, तो चलिए फिर मैं पी लेती हूँ अपनी चाय और फिर करती हूँ अपना छोटा मोटा काम। सारे टॉयज बिखेर रखे हैं आज अभिमन्यु ने, ये देखो। तो चाय पी के मैं कुछ काम करूँगी। तो इसी तरह से होती है मेरी मॉर्निंग की शुरुआत, एवरी मॉर्निंग की शुरुआत, यही मॉर्निंग के रूटीन रहते हैं आई थिंक सबके, कि ब्रेकफास्ट, सुबह की साफ़ सफाई, ये वो। तो सबसे पहले तो मेरा किचन में आती हूँ मैं, अपना फेस वॉश करके ब्रश करके किचन में आती हूँ, और तब मैं किचन का जो काम है वो स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें हो गई, फिर व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है।